तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 6-10 तक और 13-16 तक। प्रभु ये कहता है, इज़राइल के बहुसंख्य अपराधों के कारण मैं उसे अवश्य ही दंडित करूँगा। वे चांदी के सिक्के से निर्दोष को बचाते हैं और जूतों की जोड़ी के दाम कंगाल को। वे दरिद्रों का सिर पृथ्वी की धूल में रौंदते हैं और दीनों पर अत्याचार करते हैं। पिता और पुत्र दोनों एक ही लौंडी के पास जाते हैं और इस प्रकार मेरे पवित्र नाम को अपवित्र करते हैं। वे गिरवी रखे कपड़ों को विछाकर वेदियों के पास लेट जाते हैं और अपने ईश्वर के मंदिर में जुर्माने के पैसे से खरीदी हुई मदिरा पीते हैं। मैंने ही उनकी आँखों के सामने अमोरियों का सर्वनाश किया। वे देवदार की तरह ऊंचे और बलूत की तरह तगड़े थे, फिर भी मैंने ऊपर उनके फलों को और नीचे उनकी जड़ों को नष्ट कर डाला। मैंने ही तुमको मिस्र से निकालकर 40 वर्ष तक मरुभूमि में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया और तुम्हें अमोरियों का देश प्रदान किया। देखो, फूलों से लदी हुई गाड़ी जिस तरह चीजों को रौंदती है, उसी तरह मैं तुम लोगों को कुचल दूंगा। तब दौड़कर भागने से कोई लाभ नहीं होगा, बलवान की शक्ति व्यर्थ होगी, वीर योद्धा अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकेगा, धनुधारी नहीं टिकेगा, तेज दौड़ने वाला नहीं बच सकेगा और कोई भी घोड़सवार अपनी जान बचाने में समर्थ नहीं होगा। योद्धाओं में जो सबसे शूरवीर है वह उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो मेरी बात सुनो, तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो मेरी बात सुनो। तुम मेरी सहीनता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो। अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो मेरी बात सुनो। तुम चोरों का साथ देते हो और व्यभिचारियों से मेलजोल रखते हो। तुम्हारे मुंह से बुराई निकलती रहती है और तुम्हारी जीभ कपटपूर्ण बातें करती है। अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो मेरी बात सुनो। तुम बैठकर अपने भाई की निंदा करते और अपनी माता के पुत्र की चुगली खाते हो। तुम ये सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो मेरी बात सुनो। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो मेरी बात सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो मेरी बात सुनो। जय घोष, अलेलुया। अनुवाक्य। अलेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। अनुवाक्य। अलेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 18-22।
अपने को भीड़ से गिरा देखकर यीशु ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर यीशु से बोला, गुरुवर आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में से किसी ने उनसे कहा, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।